तो कैसे हैं मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों एंड बहनों। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर जो कि गाइस आप लोग बहुत सारे लोग मेरे को जो बांग्लादेश सर्वे को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस वीडियो में गाइस मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जो ऑफिशियल गरीना की तरफ से एक गाइस पोस्ट आ गया है, ठीक है, एक नोटिस आ गया गाइस आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने एक्सीडेंटली गाइस इसको जो कि रजिस्टर कर लिया, आप लोग इंडियंस प्लेयर हो तो आप लोग इसमें क्या करोगे, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा सारे कुछ गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका जो सारे सवाल लोग करते हैं सबका क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। और गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, बिना स्किप करे, ठीक है। तो चलो वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। हम लोग इंडियन सर्वर के प्लेयर हैं, हम लोग इंडिया पर रहते हैं, बट हम लोग जो कि गलती से बांग्लादेश में रजिस्टर कर लिया, अब हम लोग कैसे इसको अनरजिस्टर करें। तो सबसे पहले गाइस गरीना का एक जो नोटिस आ चुका है इसी रिगार्डिंग, ठीक है, तो देख सकते गाइस यहाँ पर ऑफिशियल गरीना का एक नोटिस है जहाँ पर गरीना ने साफ साफ बता दिया है। गाइस मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ हिंदी में। आप लोग इंडिया पर रहते हो बट आप लोगों ने गलती से अगर बांग्लादेश सर्वर पर रजिस्टर कर दिया तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो कि अपना आईडी इंडियन सर्वर पर ही रहेगा, बांग्लादेश के अंदर ट्रांसफर आपका आईडी नहीं होगा, ठीक है, आप लोगों का सर्वर जो कि इंडिया ही रहेगा। ओके गाइस, तो गाइस आप लोगों को अभी जो कि है प्री रजिस्टर के बाद गाइस जो कि अनरजिस्टर करने की आप लोग सोच रहे हो कैसे अनरजिस्टर करें, तो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपका जो आईडी है इंडिया सर्वर के अंदर ही रहेगा, आपको अभी कोई अनरजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। गरीना को ये वाला प्रॉब्लम पता है गाइस, तो गरीना ने इसको जो कि सुधार लिया है। अगर अभी अभी रिसेंटली गाइस जो लोगों ने गाइस यहाँ पर रजिस्टर किया है इंडियन के प्लेयर्स, वो सारे प्लेयर्स इंडिया के सर्वर पर ही रहेंगे, क्योंकि गाइस गरीना को पता है कौन इंडिया पे रहता है कौन बांग्लादेश पे रहता है। और गाइस आपका पूरा एड्रेस वगैरह, आप कौन से फोन पर खेलते हो गाइस, पूरा डिटेल्स आपका गाइस गरीना के पास रहता ही है, ठीक है। तो गाइस लास्ट में गाइस गरीना ने लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, जो अगर आप लोग बांग्लादेश सर्वर के बाहर रहते हो, आप लोग बांग्लादेशी नहीं हो तो आप लोग प्लीज यहाँ पर रजिस्टर मत करो, नहीं तो गाइस आपका जो आईडी है एक बार अगर बांग्लादेश पर शिफ्ट हो गया तो गाइस वो फिर से दोबारा इंडियन सर्वर या फिर किसी सर्वर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों का कितना भी सोर्स हो, कोई भी हो, आप लोग कितना भी ट्राई करो, एक बार अगर आपका आईडी ट्रांसफर हो गया तो वो बैक नहीं आएगा। तो गाइस बस इसका गाइस क्या मतलब है अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी गाइस गरीना ने जो ये वाला पोस्ट लाया था, ठीक है, बांग्लादेश के लिए, तो गाइस यहाँ पर गरीना ने कहीं भी नोटिस नहीं दिया था गाइस। तो गाइस बहुत सारे लोग क्या है गाइस रिवॉर्ड के चक्कर में आके यहाँ पर रजिस्टर कर दिए थे गलती से, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस एक दिन के अंदर जो लोगों ने किया है वो लोगों तक, ठीक है, उनका आईडी को गाइस कुछ नहीं होगा, इंडिया सर्वर पर ही रहेगा। अगर गाइस आप लोग बाद में जाके चार पांच दिन बाद फिर से अगर रजिस्टर करने के जाते हो तो गाइस आपका आईडी बांग्लादेश पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर गाइस एक बार शिफ्ट हो गया तो गाइस आप लोगों का जो कि आईडी फिर से बैक नहीं आएगा इंडिया सर्वर पर, ठीक है, आप लोगों का बांग्लादेश पर ही रहना पड़ेगा। तो गाइस एक बार अगर आप लोगों ने कर दिया है गलती से तो गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अभी आगे से जो टाइम है उसमें गाइस बिल्कुल भी मत करना, ओके गाइस। तो बस यही था आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन है मिल चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।